आज हम मैथ में सीधा देखेंगे 3A एक्सरसाइज में आठवीं का एफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है एक्स ब्रैकेट 23 प्लस वाई ब्रैकेट -11 बराबर 10 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 2 का। अब यदि कोई भी आव्यूह में एक बात हम छूट गए थे, उसमें ये था कि यदि किसी आव्यूह में 7 6 8 1 2 1 3 7 5 और यदि किसी आव्यूह के आगे यदि 8 लगा हो, या मान लीजिए x लगा हो, तो यदि हमें 8 का गुणा करना है तो वो आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 56, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ 8 6 48 और 8 9 64, 8 1 8 2 16, 8 और 8 24, 8 7 56 और 5 40। तो इस टाइप से आएगा, जो आव्यूह का आगे जो वैल्यू दी गई है उसका मल्टीप्लाई आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में होता है, आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 by 2 का एक आव्यूह दिया है 2 7 6 2 और आगे m लिखा है, तो m का मल्टीप्लाई आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2m और 6m और 7m और 2m, इस टाइप से आव्यूह के अगर यदि आगे कोई नंबर्स दिया गया है और वो मल्टीप्लाई के साथ है, तो मल्टीप्लाई आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो है 2x और 3x प्लस माइनस वाई और वाई हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो 2 का 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई और वाई आ जाएगा बराबर 10 और 5। अब देखो दोनों में प्लस लगा है, तो प्रत्येक पद अपने पद के साथ ऐड हो जाता है आव्यूह रूल से। तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई तो 3x प्लस वाई तो हो जाएगा बराबर 10 5। तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 10 तो 3x प्लस वाई बराबर 5, तो जोड़ने पर, तो जैसे ही हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 15, तो 5 से कैंसिल कर देंगे 5, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10 5, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 0। तो हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी है 5 है और y की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप से और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है 3A एक्सरसाइज का। तो जैसे हम जानेंगे कि यहाँ इक्वल करेंगे तो a माइनस बी बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और 2a माइनस बी बराबर यदि देखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर करेंगे तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा, और 3c प्लस डी बराबर 13 आ जाएगा। ठीक, अब हम चार इक्वेशनों को सॉल्व करके, मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन है, चार इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस 1 और 2a माइनस बी बराबर 0, तो घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2a में से a सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a बराबर
माइनस वन, तो ए बराबर वन वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में ए में वन माइनस बी बराबर माइनस वन, तो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस वन माइनस वन, तो माइनस बी बराबर माइनस टू, तो बी बराबर टू, तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ समीकरण नंबर तीन में हम ए की वैल्यू रख देंगे तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ है 2a प्लस सी बराबर फाइव, तो 2 a की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी बराबर फाइव, तो 2 प्लस सी बराबर फाइव, तो सी बराबर हो जाएगा फाइव माइनस टू, तो सी बराबर तीन। इस टाइप से सी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब समीकरण नंबर जो चार है उसमें हम समीकरण नंबर जो चार दिया गया है इसमें हम सी की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करेंगे थ्री मल्टीप्लाई सी की वैल्यू थ्री प्लस डी बराबर थर्टीन, तो नाइन प्लस डी बराबर थर्टीन, तो डी बराबर थर्टीन माइनस नाइन, तो डी बराबर जो हो जाएगा वो फोर आ जाएगा। इस टाइप से ए बी सी डी की ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है, और सी की वैल्यू थ्री है, और डी की वैल्यू फोर है। इस टाइप से ए बी सी डी के मान निकल आएंगे। तो अब हम लगाएंगे थ्री ए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लगाएंगे थ्री बी एक्सरसाइज। थ्री बी एक्सरसाइज में जैसे पहला सवाल है टू ब्रैकेट टू आव यू का चिन्ह एक्स सेवन फाइव वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वन माइनस फोर टू इक्वल सेवन फिफ्टीन सिक्स फोर्टीन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई। तो टू का जो दिया गया है आवयू के बाहर यदि कोई मल्टीप्लाई होता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे हम जानेंगे कि टू एक्स और टू यहाँ हो जाएगा टू एक्स, यहाँ फोर्टीन, यहाँ हो जाएगा टेन, यहाँ हो जाएगा टू वाई माइनस सिक्स, और प्लस यहाँ हो जाएगा थ्री वन माइनस फोर टू बराबर हम रखेंगे सेवन फिफ्टीन और सिक्स फोर्टीन। आगे हम देखेंगे तो अब प्रत्येक एलिमेंट्स दो आवयू के ऐड में हम पढ़ चुके हैं कि दोनों आवयू अपनी स्थिति पर अपने मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाएंगे। तो हम रखेंगे तो टू एक्स प्लस थ्री यहाँ हो जाएगा टेन में फोर, तो माइनस फोर हो जाएगा तो सिक्स हो जाएगा मैट्रिक्स में, यहाँ फिफ्टीन हो जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो टू वाई माइनस फोर आ जाएगा इक्वल में जो चलेगा सेवन फिफ्टीन सिक्स फोर्टीन। अब हम फिफ्टीन को फिफ्टीन के इक्वल है, सिक्स सिक्स के इक्वल है, ये बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे टू एक्स प्लस थ्री बराबर सेवन, तो टू एक्स बराबर सेवन माइनस थ्री, तो टू एक्स बराबर फोर, एक्स बराबर टू आ जाएगा। आगे हम टू वाई माइनस फोर बराबर फोर्टीन, तो टू वाई बराबर फोर्टीन प्लस फोर, तो टू वाई बराबर तो हो जाएगा एटीन, तो वाई बराबर एटीन अपॉन टू, तो इक्वल टू नाइन। एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू और वाई की वैल्यू हो जाएगी नाइन। तो इस टाइप से हम पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसे पहले नोट कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन हम और सॉल्व करा रहे हैं। जैसा दूसरा क्वेश्चन है कि टू ब्रैकेट टू आवयू का चिन्ह एक्स जेड वाई टी थ्री मैट्रिक्स वन जीरो माइनस वन टू थ्री मैट्रिक्स थ्री फोर और थ्री फाइव सिक्स। इस टाइप से क्वेश्चन है, हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स का टू एक्स प्लस टू जेड और टू वाई और टू टी हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई थ्री का करेंगे थ्री माइनस थ्री जीरो और सिक्स आ जाएगा इक्वल हो जाएगा नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन और एटीन। अब हम आगे देखेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम रखेंगे 2x प्लस थ्री टू आई प्लस जीरो, टू आई प्लस जीरो मतलब 2y,
और 2z माइनस 3 और यहाँ 2t प्लस 6 इक्वल जो हो जाएगा वो जाएगा 9, 12, 15 और 18, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ प्रत्येक एलिमेंट्स को अपने एलिमेंट्स के इक्वल रख देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6 अपॉन 2 तो इक्वल 3, x इक्वल 3 आ जाएगी वैल्यू। आगे हम करेंगे 2z माइनस 3 इक्वल, इसको 15 के इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 2z बराबर 18, 15 में 3 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा z बराबर 18 अपॉन 2, तो z बराबर 9 आ जाएगा। आगे हम 2y इक्वल 12 कर देंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल 12, तो 2 से 6 बार तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। आगे 2t प्लस 6 की वैल्यू हम कर देंगे, 2t प्लस 6 की वैल्यू 18 हो जाएगी, तो यहाँ 6 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगी 2t बराबर हो जाएगा 12, तो t बराबर 6, तो t बराबर 6 आ जाएगी वैल्यू। इस टाइप से एक ही x, y, z और t की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सरल कीजिए कॉस मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस करके साइन थीटा मैट्रिक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल करना है, सरल कीजिए है क्वेश्चन, तो हम जानते हैं आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस थीटा का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका साइन थीटा का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करा देंगे और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसा हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखा कि टू मैट्रिक्स आपस में समान कोटि के हैं तो आपस में जुड़ सकते हैं। 2x2 का ये पहला मैट्रिक्स है और 2x2 का दूसरा मैट्रिक्स है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ ऐड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम जानेंगे कॉस कैंसिल हो जाएंगे, पहले से दूसरा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वाई 1 0 0 1। ये क्या है, 2x2 का एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या हिंदी में कहेंगे तत्समक अवयव। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई टू कह सकते हैं हम, 1 0 1 0 0 1 को हम I2 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि A बराबर एक 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है और B बराबर भी एक 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है 3A माइनस 2B की। 3A माइनस 2B की वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 3A की वैल्यू निकालेंगे तो 3A की वैल्यू हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई करना है 1 0 6 2 5 8 और 3 7 9। 3 की वैल्यू यदि 3A की वैल्यू निकालना है तो हम इसे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट्स में तो हो जाएगा 3 0 18 और 6 15 24 और 9 21 और 27। इस टाइप से 3A की वैल्यू निकाल चुके हैं। हम 2B की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और B की वैल्यू जो है 2 3 5 और 0 0 7 हो जाएगा 3 5 0
तो 2 की वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का 2 में 4 और 6 और 10, 0, 0, 14 और हो जाएगा 6, 10 और 0। इस टाइप से हम ये निकाल चुके हैं 2b के वैल्यू। अब हमें निकालना है 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b की वैल्यू हो जाएगा 30, 18, 6, 15, 24 और 9, 21, 27। सब्ट्रैक्शन करना है हमें 2b के वैल्यू को, तो 4, 6, 10 और 0, 0, 14 और 6, 10, 0। अब हम आगे स्टेप में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और 1 0 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 27 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस 2b के वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से और भी एक क्वेश्चन है, जैसा हम लगाएंगे कि क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जैसे है x प्लस वाई बराबर 1, 3 माइनस 2, 4 और x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1, 2, 0। तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 1, 3 माइनस 2, 4 और x माइनस वाई की वैल्यू जो दी गई है वो 3 माइनस 1, 2, 0। और हम दोनों को जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर जैसे ही करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगी वैल्यू, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ 2 और यहाँ माइनस के 0 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 ब्रैकेट 4, 2, 0, 4। मैट्रिक्स में 1 बाई 2 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2, 1, 0, 2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जैसा हो जाएगा 2, 1, 0, 2 प्लस y बराबर दिया गया है 1, 3 माइनस 2, 4। तो y बराबर जो वैल्यू निकालना है हमें, y बराबर 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 1, 0, 2। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 1, 2 या माइनस 2 और 2। इस टाइप से y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों को बता दें कि थोड़ा सा आज लाइट जो है वो सही नहीं आ रही है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। आप लोग वीडियो रोज़ देखा करिएगा और आपको दिन पे दिन हम आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस कार्य में सक्रिय हैं, कि अब जो हम जो आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ देने लगे हैं। तो प्रयास हमारा ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा कर सकें, और आप लोग थोड़ा सा आज धुंधली वीडियो आई है, लेकिन कल से वीडियो आपको और अच्छी मिलेगी। हम लोग प्रयासरत हैं और आप पढ़ते रहिएगा, और हम आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिएगा और थोड़ा सा अच्छा मेहनत करिएगा। धन्यवाद।